नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल सीजन 14 का चौथा मुकाबला खेला जाएगा, जबकि दोनों टीमों का यह पहला मुकाबला होगा। राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स की टीम मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आपस में लोहा लेने वाली है। एक तरफ केएल राहुल की टीम है तो दूसरी तरफ संजू सैमसन की। दोनों ही विकेटकीपर बल्लेबाज अपनी अपनी टीम की जिम्मेदारी संभालेंगे। राजस्थान और पंजाब के बीच हमेशा से टक्कर का मुकाबला होता आया है। इस टीम के खिलाफ बटलर का बल्ला खूब चलता है तो पंजाब की तरफ से गेल और केएल राहुल का रिकॉर्ड राजस्थान के खिलाफ अच्छा है। राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो इस बार जोफ्रा आर्चर की कमी टीम को खलेगी, क्योंकि चोट की वजह से टूर्नामेंट से बाहर है। वहीं पंजाब किंग्स ने इस बार अपनी टीम को खूब मजबूत किया है। लगभग हर विभाग में टीम के पास बढ़िया विकल्प है, बस सही कॉम्बिनेशन के साथ टीम को उतरना होगा। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पंजाब किंग्स की संभावित प्लेइंग 11 से। ओपनिंग के लिए मयंक अग्रवाल और केएल राहुल परफेक्ट है। पिछले सीजन दोनों बल्लेबाजों ने खूब रन बटोरे थे। तीसरे नंबर पर डेविड मलान या क्रिस गेल को मौका मिल सकता है। चौथे नंबर के लिए निकोलस पूरन, पांचवें नंबर पर मनदीप सिंह, छठे पर मोइसेज हेनरिक्स, सातवें नंबर पर शाहरुख खान, आठवें नंबर पर झाई रिचर्डसन, नौवें नंबर पर ईशान पोरेल या अर्शदीप सिंह, जबकि दसवें नंबर पर मोहम्मद शमी और ग्यारहवें नंबर पर रवि बिश्नोई। वहीं राजस्थान रॉयल्स की संभावित प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से हो सकती है। बेन स्टोक्स और जोस बटलर दोनों ओपनिंग के लिए जा सकते हैं, क्योंकि ओयन मॉर्गन ने खुलासा किया था कि इस सीजन बटलर और बेन स्टोक्स ओपनिंग करेंगे राजस्थान रॉयल्स के लिए। तीसरे नंबर पर संजू सैमसन, चौथे नंबर पर लियम लिविंगस्टोन, पांचवें नंबर पर यान पराग, छठे नंबर पर शिवम दुबे, राहुल तेवतिया सातवें नंबर पर, क्रिस मॉरिस आठवें नंबर पर, वहीं नौवें नंबर पर श्रेयस गोपाल, दसवें नंबर पर एंड्रयू टाय और ग्यारहवें नंबर पर कार्तिक त्यागी और जयदेव उनादकट में से किसी एक को मौका दिया जा सकता है। तो ये है दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।